हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लखलाड़िया। आई होप आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम इस डायग्राम से पहले समझ लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन होगा कैसे, है ना। तो चलिए, जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं कि हम एक लाइट इंटेंसिटी को मैटर के थ्रू पास करते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ लाइट को तो हमारा मैटर एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ को ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। तो जो लाइट हम हमारे मैटर पे डालते हैं उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, और इसको डिनोट करते हैं हम आई ओ से, ठीक है। ये हमारा मैटर भरा हुआ है कोई क्यूबेट के अंदर। क्यूमेट की जो लेंथ होती है वो एल जो होती है 1 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये भी 1 सेंटीमीटर होती है, तो ये एरिया जो होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है हमारा, ठीक है। जो लाइट क्यूबिट को पास करके निकलती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट। और ट्रांसमिटेड लाइट को हम कैसे डिनोट करते हैं? आई से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है हमारी, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें हम एब्जॉर्बेंस निकालते हैं। तो एब्जॉर्बेंस निकालने के लिए हमको बियर लैम्बर्ट लॉ समझना होगा, ठीक है। हम बियर लैम्बर्ट लॉ के थ्रू ही एब्जॉर्बेंस को निकालते हैं। तो बियर और लैम्बर्ट दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एब्जॉर्प्शन के बारे में अपने अपने व्यूज दिए, ठीक है। तो बियर ने क्या बोला कि एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट कंसंट्रेशन, कि यहाँ पर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होगी उसी के ऊपर एब्जॉर्बेंस डिपेंड करेगी। तो क्या हम बियर सर की बात को ऐसे लिख सकते हैं कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर लैम्बर्ट ने बोला कि ये जो एब्जॉर्बेंस है इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ ट्रेवल थ्रू द सोल्यूशन, मतलब इस सोल्यूशन के थ्रू कितना पाथ ट्रेवल कर रही है लाइट उस पर भी डिपेंड करता है। तो लैम्बर्ट ने क्या बोला कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, है ना। तो बियर और लैम्बर्ट ने क्या बोल दिया, बियर ने क्या बोला कि एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्यूट कंसंट्रेशन, और लैम्बर्ट ने बोला कि एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ ऑफ लेंथ ट्रेवल थ्रू द सॉल्यूशन। तो क्या मैं इन चीज को ऐसे लिख सकती हूँ कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एल? लिख सकती हूँ ना, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो अब हम यहाँ पर ए के बाद यहाँ पर इसे हटाकर यहाँ पे कांस्टेंट लगा देंगे, दैट इज एप्सिलॉन। कुछ लोग इसे बी भी लिखते हैं, कुछ लोग इसे ई भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन हो जाएगा। एप्सिलॉन है हमारा मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, ठीक है। मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट कंसंट्रेशन लेंथ, तो ये हमारा सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है एब्जॉर्बेंस निकालने के लिए, ठीक है। हमको इन चारों चीजों में से कोई एक चीज पूछ ली होगी और तीन चीज हमको देके रखी होगी, तो इसके थ्रू हम बड़े इजीली क्या बोलते हैं वेरी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब हम समझते हैं कि यूनिट्स क्या क्या है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन या ई सी एल, यहाँ पर ई जो है वो हमारा मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है जिसकी यूनिट है 1 बाय मोलर सेंटीमीटर, ठीक है। जो ये लेंथ है उसको हम एल से डिनोट करते हैं, तो एल कितना है, लेंथ ऑफ दी पाथ, ये किसमें होगी, सेंटीमीटर में होगी, ठीक है। और ये जो कंसंट्रेशन है ये हमारी मोल में होगी, ठीक है। चलो तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की यूनिट क्या होगी, एब्जॉर्प्शन की यूनिट निकालो। तो चलो यूनिट निकालते हैं, तो ए की हमें यूनिट निकालनी है, ए इज इक्वल टू सबसे पहले हमारा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की यूनिट क्या है, 1 अपॉन मोलर सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारी यूनिट होगी। और सी कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है, हमारी एम, और एल की यूनिट क्या है, हमारी सी एम, ठीक है। तो यहाँ पर इस एम से ये एम कट जाएगा और सी एम से सी एम कट जाएगा, तो एब्जॉर्प्शन की यूनिट क्या हो गई, हमारी वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी, एब्जॉर्प्शन की यूनिट क्या हो जाएगी, ये हमारा यूनिट लेस है। तो ये क्वेश्चन भी बोल सकता है कि व्हाट इज द
यूनिट ऑफ एब्जॉर्बेंस। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो वो यूनिट भी बहुत इजीली याद हो गई। एब्जॉर्बेंस की हमारी कोई यूनिट नहीं होती है, जो हमारा एप्सिलॉन है यानी कि मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, उसकी यूनिट क्या होती है? 1 बाय मोलर सेंटीमीटर। ठीक है, जो लेंथ है क्यूबिट की वो कितनी है? वो सेंटीमीटर में हमारी होती है, और कॉन्सेंट्रेशन किसमें होती है? हमारी मोलर में होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एब्सॉर्बेंस की यूनिट भी निकल गई और हमको ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे टॉपिक पे चलते हैं, वो है ट्रांसमिटेंस। तो क्या होता है ट्रांसमिटेंस? ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू आई अपॉन आई नॉट। आई क्या है यहाँ पे? आई इज इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंस लाइट, इंसिडेंट लाइट। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर हमें ट्रांसमिटेंस निकालनी है तो हमारे को दोनों इंटेंसिटीज दी होंगी, ट्रांसमिटेड लाइट की भी और इंटेंसिटी लाइट इंसिडेंट लाइट की भी। और अगर हमें इंसिडेंट लाइट निकालनी होगी तो हमें ट्रांसमिटेंस दी होगी और ट्रांसमिटेड लाइट दी होगी, मतलब जो भी वैल्यू निकालनी होगी। वैसे मुझे लगता नहीं है कि इतना ईजी क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, अब हमारा जो ट्रांसमिटेंस होता है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी के साथ में क्या रिलेशन होता है? हमको क्या पढ़ना है कि भाई हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी का ट्रांसमिटेंस के साथ में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, देखो बेटा, जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, बिल्कुल ध्यान से समझना और सुनना, ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है वो ट्रांसमिटेंस के साथ में उसका जो लोगरिथमिक इनवर्स प्रोपोर्शनल। ऑप्टिकल डेंसिटी इज लोगरिथमिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिटेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ओडी इज लोगरिथमिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिटेंस। अब ये लोगरिथमिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ऑप्टिकल डेंसिटी इज इक्वल टू लॉग 1/T? हाँ, बिल्कुल लिखी जा सकती है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा था कि ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू आई अपॉन आई नॉट। अगर हमको ट्रांसमिटेंस नहीं दी है लेकिन फिर भी ऑप्टिकल डेंसिटी निकालनी है, तो हम यहाँ पे ट्रांसमिटेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। तो अब हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो जाएगी? ओडी इज इक्वल टू लॉग आई नॉट अपॉन। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलो, अब ऑप्टिकल डेंसिटी आखिर होती क्या है? देखो बेटा, बायोलॉजी में हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का जब स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू एनालिसिस करते हैं तो हम ऑप्टिकल डेंसिटी को एब्जॉर्प्शन के इक्विवेलेंट मानते हैं। अब देखो, एब्जॉर्बेंस क्या होता है? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ऑफ द वेव टू मैटर एज इट पास थ्रू इट। जैसे जैसे वेव क्या बोलते हैं कि मैटर के थ्रू पास होगी, वैसे वैसे जो वेव्स की जो एनर्जी है उसको वो मैटर एब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वो जो एनर्जी लेने के बाद में जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो कितनी डिले हुई, कितनी स्लो हुई, उसको मेजर करने की हमारी एक यूनिट है जिसको कि हम ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो लोगरिथमिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो लोगरिथमिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि अगर मैंने ट्रांसमिटेंस को 10 टाइम इंक्रीज कर दिया तो यहां पर हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी एक यूनिट पड़ेगी। अगर मैंने ट्रांसमिटेंस को 100 टाइम इंक्रीज कर दिया तो यहां पर 2 यूनिट मेरी ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो चलिए अब हम ट्रांसमिटेंस या जो हमारी एब्जॉर्बेंस है उसके रिलेशन को लेकर के हमारा इंटेंस को परसेंटेज में हम ट्रांसमिटेंस कैसे निकालेंगे वो करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस
ठीक है, अब इसका रिलेशन निकालते हैं। देखो अब भी हमने देखा कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी ही है ये किसके बराबर है, हमारी एब्जोर्बेंस के बराबर है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि देखो ऑप्टिकल डेंसिटी इज इक्वल टू लॉग 1/T, ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, और अभी अभी हमने देखा कि ऑप्टिकल डेंसिटी को हम एब्जोर्बेंस के बराबर लिखते हैं। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि ए इज इक्वल टू लॉग 1/T, कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ। तो अभी क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ए इज इक्वल टू लॉग 100/T इन परसेंटेज? बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलो अब हम इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा कि ए इज इक्वल टू लॉग 100 - log T इन परसेंटेज। तो क्या मैं इसको ऐसे ओपन करके लिख सकती हूँ? बिल्कुल। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 2 - log ट्रांसमिटेंस इन परसेंटेज, ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये हमारा एब्जोर्बेंस का दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे कि हम एब्जोर्बेंस निकालेंगे। तो एब्सोर्बेंस के हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए, एब्सोर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल, ठीक है, और एक हो गया एब्सोर्बेंस इज इक्वल टू 2 - log ट्रांसमिटेंस इन परसेंटेज। ये बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाले फॉर्मूलाज हैं, इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लर्न कर लीजिएगा। अगर आपको ये दो चार से फॉर्मूले याद हो गए तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी न्यूमेरिक क्वेश्चन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से छोड़ के आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी। इस टर्न के लिए इतना काफी है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, सारे इंडाइसेस को अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। अगर कहीं पर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए वो सेल्फ असेसमेंट में करवाऊंगी, ठीक है, उससे पता चल जाएगा कि हमको चीजें याद है भी कि नहीं, क्योंकि अभी फॉर्मूले के साथ में अगर मैं सॉल्व करवाऊंगी तो आप बिल्कुल आराम से कर देंगे, क्योंकि बिल्कुल अभी हमने फॉर्मूला को किया। ठीक है, इसीलिए सेल्फ असेसमेंट में लास्ट में करवाऊंगी। और मैं फिर से बोल रही हूँ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे बायोमोलिक्यूल्स के लिए बायोलॉजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये टेक्निक जितनी सिंपल है ना उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना, और बहुत इजीली समझाती है, इससे इजी मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना ये वाला इंडाइस, ठीक है, यहाँ पर हमारी एब्जोर्बेंस की यूनिट क्या होगी, ठीक है, और हमारा ट्रांसमिटेंस का फॉर्मूला, अगर हमारे को एब्जोर्बेंस और ट्रांसमिटेंस इन परसेंटेज दी है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।